वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं इस समय बिलासपुर जिला यमुनानगर हरियाणा इंडिया यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे ये एक बिल्डिंग नज़र आई बहुत पुरानी जो उर्दू में लिखा हुआ है। वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ लेकिन मैं जो समझता हूँ ये लिखा हुआ है ओम कोठी लाला फकीर गरीब चंद्र 1940। ये लाला जी की कोठी है पुरानी। मैं देख के हैरान हूँ, मैं पूरा नज़ारा दिखाऊंगा आपको इसका, आप भी देखिए इसका। उस ज़माने का ये जो पूरा मटेरियल है और जो शान और शौकत थी तो देख के मैं हैरान हूँ। ये मैं बिलासपुर के अंदर पहली कोठी देख रहा हूँ ऐसी जो इतनी पुरानी 1940 से यहाँ खड़ी है। ठीक है, समय के अनुसार तब्दीली आ जाती है लेकिन मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाऊंगा आपको। ये लाला जी तो है राम, चलो गरीब चंद्र तो मैं पढ़ लिया है 1940 है कुछ, तो अभी आपको दिखाते हैं। देखिए ये तो बोर्ड लगा हुआ था बाहर, तो देखिए इसके पिलर देखिए, आप डिज़ाइन देखिए इसका। आप भाई साहब यहीं रहते हैं कहाँ? ये किसकी कोठी है? हैं जी बनिया की। नहीं, इसका नाम क्या ऊपर लिखा हुआ है पता? उर्दू में लिख रहा है। नहीं, उर्दू में तो मैंने जान लिया, उर्दू में लाला जी तो ठीक है, अगर फकीर जी ना गरीब चंद्र भी ठीक है। नहीं पता ना आपको? इतना पता जी बनिया की है। हाँ जी, उन्होंने ली थी बिक्की थी वहीं से। तो अभी ये सरकारी मलकियत है किसी की है मलकियत? ये ले लीजिए किसी ने, सरकारी नहीं है। सरकारी ठीक है, प्राइवेट है ना? ओके, धन्यवाद जी, करते हैं बातें। ये देखिए इसकी शान शौकत देखिए, पुराना डिजाइन है, बहुत पुराना, काफ़ी पुराना है। देखिए इसका, और किसी ज़माने में इसकी जो थी बहुत शोर थी कोठी की, ये बहुत बढ़िया थी। और जो लाला वगैरह जो बड़े बड़े अच्छे मेन आदमी होते थे, वो बड़े मालदार आदमी और बड़े पहुंचे हुए आदमी और बहुत जो लैंडलॉर्ड होते थे उनके ये रहायशें ऐसी होती थी उनकी। तो आजकल तो लोगों ने गिरा दी, तोड़ फोड़ कर दी, ये भी पता नहीं कैसे बची। मैं तो बिलासपुर में पहले ही देख रहा हूँ, ये जो पहला नज़ारा देख रहा हूँ जो बचा हुआ है ये। तो मैं आपके भी ये बरामदा है छोटा सा, इसका भी पूरा दिखाता हूँ आपको, पूरा देखिए आप इसको। तो मैं तो हैरान हो गया इसको देख के यहाँ पे। ये देखिए इनका पूरा बहुत अच्छी तरह से, किसी ज़माने में ये पंजाबी में कहते हैं ना कहंदी कवांदी थी, ये जो कोठी थी कहंदी कवांदी थी ये किसी ज़माने में। और आज देखिए वक्त के अनुसार सब कुछ बदल जाता है, डिज़ाइन बदल गए, सारा कुछ बदल गया इसके अंदर। तो ये देखिए क्या क्या डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत सुंदर, हैरान हूँ मैं इस बात में। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इसलिए कि कोई ज़माना ऐसा था, ज़माना तब्दील होता रहता है, आज जो डिज़ाइन है हो सकता 100 साल के बाद वो डिज़ाइन बदल जाए। ये 1941 की है, 1940 की आई है, तो कोई ज़्यादा नहीं हुए भी 100 साल इसको हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी पुरातन तो पुरातन है भाई, समय बदलता रहता है, ये चलते रहते हैं। ये उस ज़माने का दिया रखने के लिए देखिए, ये दिया रखने के लिए था। और दरवाजे देखिए आप, दरवाजे देखिए, दरवाजों का जो है पूरा डिज़ाइन देखिए आप, दरवाजों का, दरवाजों का आप कारीगरी देखिए, दरवाजों की कितनी बारीक कारीगरी है उस ज़माने की। और चौखट देखिए इसकी क्या शानदार है। तो आप देखिए पूरा दरवाज़ा दिखाते हैं आपको, पूरा क्या शान और शौकत है इसकी। और ये दिया रखने के लिए होते थे पुराने ज़माने में। ये दूसरा दरवाज़ा है इसका, देखिए डिजाइन देखने वाले हैं, डिजाइन देखने वाले हैं इनके, डिजाइन देख के मैं खुश हुआ, डिजाइन देखने वाले हैं कोठी के। तो कमाल होगी, मैं जा रहा था इस कोठी ने खींच लिया मुझे। ये देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ पूरा छत,
दिखाता हूँ, कमाल है। है तो छोटी सी लेकिन कमाल है, ज़्यादा नंबर जो है यह नहीं कवर किया हुआ इसने, लेकिन उस ज़माने के जो यहाँ पे अच्छे पहुँचे हुए बड़े जो होते थे मेन आदमी और मालदार और तकड़े आदमी, तो ये उनके काम होते थे, ये तो ये उन्हीं की है वो उस टाइम की। तो आज खड़ी है ये बड़े अच्छी तरह से, तो खड़ी है ये, तो हम भी हैरान हैं। तो ये देखिए आप, ये देखिए आप इसको, पिपल जो है ये जमा हुआ है, किया हुआ है। ओके थैंक्स, धन्यवाद।